एक दिवसीय प्रवास पर शुक्रवार को नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ग्वालियर पहुंचे। यहां पर ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा नवकरणीय ऊर्जा स्रोत के डेवलपमेंट को लेकर अपार संभावनाएं जताई हैं। इस दौरान कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला ने ये कहा है कि पीएम मोदी और सीएम यादव की मंशा अनुसार मध्य प्रदेश अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अब हम रीवा दिल्ली मेट्रो और शाजापुर से रेलवे को बिजली प्रदान कर रहे हैं। इसके आगे उन्होंने कहा है कि ग्वालियर चंबल के हेलो मुरैना में देश का पहला सोलर प्लांट स्थापित होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों से किया जाएगा। वही ओंकारेश्वर में विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना शुरू हो चुकी है, जिससे हम देश की कुल ऊर्जा का 50% नवकरणीय ऊर्जा के माध्यम से पूर्ति करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। अभी हम 52,000 पंपों के टेंडर किए जो हैं और उसमें परसों हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ समीक्षा बैठक की हमारे विभाग की, और वो टेंडर में सब्सिडी 30% केंद्र सरकार दे रही है और 30% राज्य का है। आज हम बहुत विश्वास से कह रहे हैं कि सब्सिडी मध्य प्रदेश की सरकार और बढ़ाने जा रही है, उसके आधार पर किसान को बहुत कम पैसा जमा करना पड़ेगा। इसमें पंप केवल उनको गड्ढा बोर कराने का काम किसान का रहेगा, उसमें 7.5 से लेकर 3, 5 और 7.5 हॉर्स पावर की मोटर अलग अलग रेटों में 5 साल की गारंटी के साथ सौर ऊर्जा की चलेगी और 25 साल की गारंटी के साथ पैनल। ये मध्य प्रदेश की सरकार ने एक बड़ा काम किया है 52,000 पंपों का।